हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक लस्सी की रेसिपी लेके आए हैं, जो एकदम फेमस नाम है लस्सी का, केसर इलायची लस्सी, जो हम सबको पसंद होती है। पर ये लस्सी हम घर पे कैसे बना सकते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने दही लिया है। ये दही मैंने एक बड़ा कप भर के दही लिया है। इसके अंदर मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो घर की शुगर, नॉर्मल जो शक्कर रहती है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, पर उसे पिघलने में टाइम लगता है, इसलिए लस्सी में अगर शुगर पाउडर डाले तो वो मिनटों में बन जाती है। ये मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप चाहे तो 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि लस्सी हमेशा मीठी ही अच्छी लगती है। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने बर्फ डाला है। ये लस्सी हम मिक्सी के जार में नहीं बनाने वाले हैं, हैंड मिक्सी से बनाने वाले हैं। अगर आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम हो तो आप बर्फ बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी लस्सी रेडी हो गई है। इसे हमने सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है। ऊपर से मैंने घर की मलाई 1 चम्मच भर के डाल दी है और उसके ऊपर केसर डाल दिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर और काजू। लस्सी जो ये नॉर्मल केसर इलायची लस्सी रहती है, इसके अंदर अगर मलाई डाली जाए तो ये लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे इस तरह से इस रेसिपी को बनाइए घर में, तो एकदम आपको बाहर के जैसी लस्सी आपको घर में पीने मिलेंगी। और फ्रेंड, ये हमारी लस्सी रेडी हो गई है। आप इस स्टेप से ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करिए और आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।